मुंबई में कचरे से 100 मेगावाट बिजली पैदा करने की योजना। महानगर में कचरे की बढ़ती समस्या और डंपिंग ग्राउंड की वजह से आसपास के क्षेत्रों में फैलती दुर्गंध से आने वाले समय में मुंबई करों को छुटकारा मिल सकता है। केंद्र सरकार के निर्देश पर राज्य सरकार की मदद से बीएमसी मुंबई में कचरे से 100 मेगावाट बिजली उत्पादन की योजना बना रही है। बीएमसी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि मुंबई में प्रतिदिन लगभग 7000 मेट्रिक टन कचरा पैदा होता है, जो देवनार और कांजूरमार्ग डंपिंग ग्राउंड में फेंका जाता है। उस कचरे से करीब 100 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जा सकता है। अधिकारियों ने बताया कि पिछले दिनों केंद्र मंत्री और शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हुई बैठक में मुंबई में कचरे की समस्या से निपटने के लिए उसमें बिजली उत्पादन करने पर सहमति बनी। उन्होंने बताया कि देवनार और कांजूरमार्ग में फेंके जाने वाले कचरे का वेस्ट कैरेक्टराइजेशन टेस्ट किया जा रहा है, इससे पता चलेगा कि कितना कचरा बिजली उत्पादन के योग्य है। इसके बाद अंतिम निर्णय लिया जाएगा। इसके लिए एक समिति के गठन का प्रस्ताव है, जिसमें भारत सरकार के सेक्रेटरी, राज्य सरकार के प्रिंसिपल सेक्रेटरी और बीएमसी कमिश्नर और बीएमसी के एडिशनल कमिश्नर शामिल होंगे।